वेलकम बैक टू माय डिजिटल फिल्म। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आज मैं दिखाने वाला हूं आप सबको हेयर का रिजल्ट। जी हाँ, इनकी 5 सेटिंग हो चुकी है और इनका कितना अच्छा ग्रोथ है ये आप पेशेंट के उनसे ही सुनिए कि कितना फर्क है। इनके यहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं थे और बाल काफी अच्छे रिजल्ट आया है और पेशेंट बहुत खुश है। और आपको हम ले चलते हैं पेशेंट की तरफ और वो उनसे आप खुद जानिए कि कैसा उनका रिजल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले प्यार भी ये बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बाल आया है, ये समझ लीजिए। ये देख रहे हैं, ये पूरा हम पकड़ सकते हैं। इसमें भी देखिए, ये है ना, ये हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे जो है। ये देखिए, अभी क्या है ना, उगने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं, जैसे कि इधर देखिए, इधर का ग्रोथ देखिए शानदार है, बहुत मतलब गजब का ग्रोथ है। आपको खुद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। कैसा रिजल्ट है? अच्छा रिजल्ट लगा मुझे सर। कितना सेटिंग हो गया आपका? ये छठा और सेटिंग, 5 तो हो चुका है। छठा हो गया मतलब छठवीं बार है। हाँ, छठवीं तो 5 सेटिंग के बाद ऐसा रिजल्ट आया। जिसे कि आप देख रहे हैं इनका कितना अच्छा रिजल्ट आया। हमने ये जेल लगाया, जेल लगाने के बाद हम 45 मिनट बाद ये हमने स्टार्ट कर दिया अपना डर्मा पेन। जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी बार आपको बताया है कि हेयर पीआरपी कितना सेफ, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट मैं चाहता हूँ, अगर कोई भी हेयर फॉल की समस्या है, डैंड्रफ की है, या आपके बालनेस है, अगर आपके सर पे बाल नहीं है या बहुत झड़ गए हैं, तो ये ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है जिससे कि आप करवा ना सकें। हेयर ट्रांसप्लांट हर कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी वर्क है, उसमें काफ़ी समय लगता है और क्योंकि बहुत लोगों को डर भी लगता है सर्जरी पार्ट से, तो वो ये ट्रीटमेंट बहुत आसानी से करवा सकते हैं, बहुत सेफ। ये 45 मिनट्स का इसमें अप्रॉक्स टाइम लगता है, 45 to 1 hours। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपके ब्लड का ही प्लाज्मा निकाल कर उसको ही इंजेक्ट कर रहे हैं और इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। कि जैसे कि आपको हम देखेंगे और इनका वॉइस भी सुनाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको रियल जो पैटर्न होता है वो समझ में आए। दर्द तो नहीं है? आप लगा तो दर्द ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, वीडियो दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे कि सर इतना गुस्सा देते हैं आप क्या? सच में आप लगा तो दर्द ही पता नहीं चलता, रुको दर्द ही नहीं लगता। आपको टेक्निक पता ना किस लगाना है? बस केवल इस पर फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पर पूरा क्लीन हो जाए हमारा। आ गया थोड़ा सा हुआ ना? हाँ, कल का हुआ। तो दिक्कत तो हो तो रहने दो। क्या भैया, रिजल्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे वीडियो के साथ।